हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और मैं आपके सामने लेके आने वाला हूँ जो नेक्स्ट टॉपिक था सीरीज सॉल्यूशन के अंदर, उसका अगला पार्ट कि जब रूट्स यहाँ पे अनइक्वल होते हैं तब हम रूट्स डिफरेंट होते हैं, अनइक्वल होते हैं तो कैसे हम सॉल्यूशन को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। और मैं आज आपको सामने लेके आने वाला हूँ बेसल इक्वेशन, उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। इससे पहले मेरे जो वीडियोज़ है सीरीज सॉल्यूशन पे, वो मैंने ऑर्डिनरी पॉइंट और सिंगुलर पॉइंट क्या होता है, उसके बाद मैंने आपको लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन को किस तरह सॉल्व करते हैं, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जब हमारा यहाँ पे x इज इक्वल टू जीरो सिंगुलर पॉइंट होता है तब उस वाले केस में हम कैसे इक्वेशन को सॉल्व करते हैं जब रूट्स इक्वल होते हैं। देन अब मैं आपके सामने दे रहा हूँ कि रूट्स अनइक्वल होते हैं तब कैसे सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे जो आई टेब आ रहा है, यहाँ पे मेरे पुराने वीडियोस अपलोडेड है और भी मैंने इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और बीएससी वाले स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छा कंटेंट अपलोड कर रखा है, सो आप यहाँ देख सकते हैं स्टूडेंट। और मेरा जो लास्ट स्क्रीन आ रहा है वहाँ पे भी आपको मेरे पुराने सभी प्लेलिस्ट मिल जाएगी जहाँ पे आप मेरे वीडियोस को देख सकते हैं। सो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इन टू वाई। सो सबसे पहले मैं आपको ये बताया था कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट y इज इक्वल टू एक्स पावर m रखेंगे, है ना। फिर हम क्या करेंगे, dy बाय dx की वैल्यू रखेंगे, कितना आएगा m x पावर m माइनस 1, है ना। एंड d2y बाय dx स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, तो कितना आएगा m m माइनस 1 x पावर m माइनस 2 रखेंगे, है ना। ये सब वैल्यू उठा के यहाँ रखेंगे तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, m m माइनस 1 x पावर m माइनस 2 और इन टू x स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस एक्स, देन यहाँ पे डिवाइड बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी एम एक्स पावर एम माइनस वन प्लस एक्स स्क्वायर एन स्क्वायर इंटू वाई पावर एक्स पावर एम। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो एक्स की सबसे छोटी पावर, देखो एक्स पावर एम आ रहा है यहाँ पे, है ना, कितना रही है एम एम माइनस वन एक्स पावर एम, और ये भी आएगा एम एक्स पावर एम, पर यहाँ जब एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो स्टूडेंट ये आएगा एक्स पावर एम प्लस टू माइनस एन स्क्वायर एक्स पावर एम। तो आप देख रहे हैं इसकी जो हाईएस्ट डिग्री वो कितनी है, एम प्लस टू है, और इसकी जो लीस्ट डिग्री वो कितनी है, एम है। दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, टू आ रहा है। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या लेंगे, लेट द सॉल्यूशन इज क्या होगा, वाई इज इक्वल टू समेशन आर इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनेटिव ए आर एक्स पावर एम प्लस टू आर लेंगे, ना। अगर वन आएगा तो एम प्लस आर लेंगे, ना। इसी इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें भी इसी तरीके से मैंने आपको बताया था, है ना। देन हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन लेंगे डी वाई बाई डी एक्स, तो ये कितना आएगा, समेशन आर इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनेटिव ए आर, है ना, ये आएगा एम प्लस टू आर एक्स पावर एम प्लस टू आर माइनस वन, देन डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर कितना आएगा स्टूडेंट, ए आर एम प्लस टू आर एम प्लस टू आर माइनस वन एक्स पावर एम प्लस टू आर माइनस टू आएगा। ये सब वैल्यू उठा के यहाँ रखेंगे हम, तो देखिए क्या होगा, सबसे पहले वो वैल्यू उठा के रखेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर समेशन आर इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनेटिव ए आर, है ना, एम प्लस टू आर माइनस वन एक्स पावर एम प्लस टू आर माइनस टू, है ना, प्लस एक्स इंटू ये आएगा आर इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनेटिव, कितना आएगा स्टूडेंट ए आर एम प्लस टू आर, है ना, एक्स पावर एम प्लस टू आर, है ना, नाउ माइनस वन आएगा, देन प्लस ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, देन समेशन आर इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटिव ए आर एक्स पावर एम प्लस टू आर आएगा, राइट। नाउ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, देखिए समेशन आर इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटिव ए आर एम प्लस टू आर एम प्लस टू आर माइनस टू माइनस वन, ये आएगा एक्स पावर एम प्लस टू आर हो जाएगा बिकॉज एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा, यहाँ से एक्स मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा आर इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी ए आर एम प्लस टू आर, है ना, एक्स पावर एम प्लस टू आर आ जाएगा। देन यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पहले एन स्क्वायर ले लेते हैं हम, देन ये आएगा समेशन आर इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी ए आर एक्स पावर एम प्लस टू आर, और अभी से एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा समेशन आर इज स्क्वायर इक्वल टू जीरो एक्स पावर एम प्लस टू आर प्लस टू होगा इज इक्वल टू जीरो आएगा। नाउ अब क्या करते हैं, ये एम प्लस टू आर एम प्लस टू आर एम प्लस टू आर को एक साथ ले लेते हैं, है ना। तो यहाँ से जो हमारे प्लस टर्म आएगी वो क्या आएगी, आर इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनेटिव ए आर कॉमन ले लिया, कितना आएगा स्टूडेंट एम प्लस टू आर एम प्लस टू आर माइनस वन, देन ये कितना आएगा प्लस एम प्लस टू आर, है ना, यहाँ से एम प्लस टू आर आएगा, देन ये कितना आएगा माइनस का एन स्क्वायर, देन ये वाली जो टर्म आएगी उसको एज इट इन टू एक्स पावर एम प्लस टू आर माइनस टू आर ही रहेगा, प्लस ये कितना आएगा समेशन आर इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी ये प्लस एन स्क्वायर और आएगा यहाँ पे, है ना।
ये एन स्क्वायर वाली टर्म आएगी ना, बिकॉज ये माइनस का एन स्क्वायर आएगा, यस। तो कितना आएगा यहाँ पे देखिए आप, ओ सॉरी माइनस का एन स्क्वायर नहीं आएगा, ये तो प्लस ही आएगा, है ना। देन ये आएगा ए आर एक्स पावर एम प्लस टू आर प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। नाउ स्टूडेंट क्या करेंगे, ये हमारी लीस्ट डिग्री टर्म है, सबसे पहले एम प्लस टू आर को कॉमन ले लेता हूँ। तो जैसे एम प्लस टू आर कॉमन लूंगा तो ये माइनस में से हट जाएगा, तो ये आएगा आर इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटिव ए आर एम प्लस टू आर का होल स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर हो जाएगा, है ना। एक्स पावर एम प्लस टू आर देन प्लस आर इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटिव ए आर एक्स पावर एम प्लस टू आर प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। अब ये जो लीस्ट डिग्री टर्म है ना, क्या करेंगे, इक्वेटिंग लीस्ट डिग्री टर्म टू जीरो, है ना, मैं यहाँ लिखता हूँ। तो ये लीस्ट डिग्री टर्म ये रहेगी, इसमें जीरो आर एक्स आर की जगह जीरो रखेंगे तो ये आएगा हमारे पास एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, इसको हम किसके बराबर रखेंगे, जीरो। पर हम जानते हैं भैया ए जीरो इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो इसका मतलब एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो होगा। तो यहाँ से हमें एम की वैल्यू क्या मिलेगी, प्लस वन एंड माइनस एन, तो प्लस एन होगा और एम क्या होगा यहाँ पे माइनस एन होगा, ये दो वैल्यू मिलेगी, ये दोनों डिफरेंट है, राइट। अब यहाँ देखिए हम क्या करेंगे, मैं चाहता हूँ ये दोनों पावर क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो इस वाले में क्या करेंगे, पुट आर इज इक्वल टू क्या रखेंगे, आर माइनस वन रखेंगे। जैसे आर की जगह आर माइनस वन रखोगे दोनों पावर क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो देखिए क्या करेंगे स्टूडेंट, आर इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनेटिव ए आर एम प्लस टू आर का होल स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर एक्स पावर एम प्लस टू आर, और यहाँ पे r की जगह r माइनस वन रखूंगा तो r इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनेटिव ए आर माइनस वन, ये आएगा x पावर m प्लस टू आर इज इक्वल टू जीरो, दोनों में से कॉमन ले लेते हैं स्टूडेंट, तो ये आएगा r इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनेटिव ए आर, है ना, m प्लस टू आर का होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, है ना, और ये आएगा प्लस कितना आएगा यहाँ पे ए आर माइनस वन इंटू एक्स पावर एम प्लस टू आर इज इक्वल टू जीरो। और स्टूडेंट किसी भी सीरीज का सम अगर जीरो के बराबर है तो वो क्या होगा, उसका कॉफिशियन किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा। तो एम प्लस टू आर का होल स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर प्लस ए आर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से हमारे को मिलेगा ए आर इज इक्वल टू माइनस का ए आर माइनस वन अपॉन एम प्लस टू आर का होल स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, ये हमारे पास रिकरेंस रिलेशन मिलेगा। स्टूडेंट मुझे यहाँ से इसको हटाना पड़ेगा, मैं इसको एक बार हटाता हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ। सो स्टूडेंट क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, पुट आर इज इक्वल टू वन रखेंगे, जैसे वन रखेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे ए वन इज इक्वल टू क्या आएगा, देखिए यहाँ पे ए जीरो, तो ये आएगा आपके पास एम प्लस टू का होल स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर आएगा, है ना। देन हम क्या करेंगे, आर इज इक्वल टू टू रखेंगे, तो ये आएगा ए टू इज इक्वल टू ए वन अपॉन एम प्लस टू रखेंगे तो ये आएगा एम प्लस फोर का होल स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। देन ये जो ए जीरो है, सॉरी माइनस है यहाँ पे, ये भी माइनस आएगा। फिर ये जो ए वन है, इस ए वन की वैल्यू उठा के यहाँ रखेंगे तो ये आएगा माइनस माइनस प्लस ए जीरो अपॉन एम प्लस टू का होल स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इंटू एम प्लस फोर का होल स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर आएगा, है ना। तो इस टाइप से वैल्यूज आएगी। फिर इसका जो सॉल्यूशन होता है वो क्या माना था हमने, हमने माना था आर इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटिव ए आर एक्स पावर एम प्लस टू आर लिया था। इसको खोलेंगे हम तो ये आएगा ए जीरो एक्स पावर एम ए वन एक्स पावर एम प्लस टू ए टू एक्स पावर एम प्लस फोर, इस तरह से हम लेते जाएंगे इसको, है ना। देन यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पे ये एक्स पावर एम कॉमन ले लेते हैं तो ए जीरो ए वन की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, ये आ रही माइनस का ए जीरो अपॉन एम प्लस टू का होल स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ रहा। देन ए टू की वैल्यू कितनी आ रही है, ए जीरो एम प्लस टू का होल स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इंटू एम प्लस फोर का होल स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इंटू एक्स पावर फोर, इस तरह से ये आएगा, है ना। नाउ ए जीरो कॉमन निकाल लीजिए स्टूडेंट, तो ए जीरो एक्स पावर एम वन माइनस वन अपॉन एम प्लस टू का होल स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर आएगा प्लस एक्स पावर फोर एम प्लस टू का होल स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर एम प्लस फोर का होल स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, इस तरह से हमें सीरीज मिलेगी, है ना। हम जानते हैं कि जब भी ऐसा कोई सॉल्यूशन आता है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे y इज इक्वल टू हमारा सॉल्यूशन ऐसा होता है, क्या होता है, y इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू एम वन, तो एम वन की वैल्यू कितनी है, प्लस एन है, प्लस बी वाई इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू माइनस का एन होता है, है ना। तो ये जो हमारा सॉल्यूशन है इसमें क्या करेंगे, जहाँ पर भी वाई एम है वहाँ पे क्या रख देंगे, एन रख देंगे। तो मैं सीधा रखता हूँ तो यहाँ आएगा या एम एन रख देते हैं तो क्या आएगा यहाँ पे ए जीरो, है ना, एक्स पावर एन देन कितना आएगा वन प्लस सॉरी वन माइनस क्या आएगा यहाँ पे एन प्लस टू का होल स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, इस तरह से आता जाएगा।
प्लस बी इंटू, यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आएगी उसमें ए जीरो, जहाँ पर भी एक्स एन है वहाँ पे क्या रखेंगे एम है, वहाँ पे क्या रखेंगे माइनस एन रखेंगे, तो एक्स पावर माइनस एन है ना। देन मैं इसको छोटे से ब्रैकेट में लेता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा है ना। देन इसको छोटे ब्रैकेट में ले लेते हैं, तो यहाँ पे रखेंगे तो वन माइनस एक्स स्क्वायर, जहाँ पर एम है वहाँ माइनस एन रखेंगे, तो ये आएगा माइनस एन प्लस टू का होल स्क्वायर इन टू एन स्क्वायर, इस तरह से हमारे पास ये सीरीज आएगी। सो ये हमारा क्या होगा स्टूडेंट आंसर होगा। तो इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। और स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, ये जो होता है ये हमारा क्या होता है बेसल सॉल्यूशन, उसको हम जे एन एक्स से भी लिखते हैं, प्लस बी जे माइनस एन एक्स से भी हम इसको लिखते हैं, इसको जे एन एक्स। तो जब मैं आपको बेसल रिलेशन बताऊंगा, बेसल फंक्शन बताऊंगा, तब मैं आपको बताऊंगा कि ये जे एन एक्स और जे एन माइनस एक्स क्या होता है। सो स्टूडेंट मुझे लगता है मेरा ये वाला टॉपिक आपको समझ में आया होगा। सो बने रहिए मेरे साथ, अब मैं आपके सामने आगे लेने वाला हूँ लीजेंड्री और जो बेसल है, इनके स्पेशल फंक्शन, इनके रेकरेंस रिलेशन, इन पे बेस्ड जो क्वेश्चन हैं वो ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टीज़ है ना, ये सब मैं आपके सामने लेके आने वाला हूँ। और स्टूडेंट इसके साथ साथ पैरेलल में स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी पे भी वीडियोज़ अपलोड करने वाला हूँ, और स्टैटिक्स और डायनामिक्स पे भी मैं कुछ कंटेंट अपलोड करूँगा। मुझे मालूम है आप लोगों के एग्जाम्स है और ये टॉपिक सब इंपॉर्टेंट है, पर स्टूडेंट आप मेरी मजबूरी भी समझे, मैं समय जैसे मुझे मिल रहा है वैसे वैसे मैं आपके सामने कंटेंट अपलोड करता आ रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। पेशेंस रखिए, जितना मैंने आपके लिए किया वो भी उसको भी आप थोड़ा समझे कि इतना भी सर आप हमारे लिए कर रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट की जो एक्सपेक्टेशन होती है बहुत ज़्यादा होती है। कभी कभी मुझे इस एक्सपेक्टेशन से बड़ा प्रेशर महसूस करता हूँ कि कोई स्टूडेंट बोल रहा है कि सर रिमानन इंटीग्रेशन पे करिए, कोई स्टूडेंट बोलता है रियल पे करिए, कोई स्टूडेंट बोलता है कि सर एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पे करिए, कोई स्टूडेंट बोलता है भैया मेरे को अभी अपलोड करते करते आठ नौ महीने हुए हैं, सो मुझे टाइम दीजिए। अभी तो मैं 7-8 महीने कंप्लीट करा हूँ और मेरे वीडियोस अब थोड़ा सा फ्लुएंट हुआ हूँ बनाने में। सो समय दीजिए, समय के साथ साथ मैं और भी आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट लेके आऊँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस, बने रहिए मेरे साथ, और प्लीज़ हर वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू।